पिचाई सुंदरराजन। जी हाँ, करेंटली गूगल के सीईओ और काफी इंडियंस के इंस्पिरेशन सुंदर पिचाई को वर्ल्ड के कुछ मोस्ट सक्सेसफुल और हम्बल सीईओज में गिना जाता है, उनके डाउन टू अर्थ बिहेवियर और लॉन्ग टर्म थिंकिंग की वजह से। लेकिन किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस का एक बहुत बड़ा कारण उस पर्सन का डेली रूटीन और काम करने का तरीका भी होता है। तो इस वीडियो में हम सुंदर पिचाई का डेली रूटीन और हैबिट्स जानेंगे, साथ ही उनका थॉट प्रोसेस कैसा है, उनकी फेवरेट बुक कौन सी है और उनके पास कितने फोन्स हैं। नहीं नहीं, एक नहीं, दो नहीं, दस भी नहीं, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा है। और वो इतने फोन्स क्यों यूज करते हैं, इन सब का जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए जानते हैं। सुंदर पिचाई लॉस एटलॉस हिल्स में 10,557 स्क्वायर फुट में बने अपने घर में लगभग सुबह 6:30 बजे अपनी नींद पूरी करके उठ जाते हैं। लेकिन उठने के साथ ही वो अपने बेड से नहीं उतर जाते, बल्कि वो कुछ वक्त अपने बेड में ही लेटे रहते हैं और फिर उठते हैं। वो इसलिए क्योंकि सुंदर को उनकी मॉर्निंग थोड़ी स्लो, काम और रिलैक्स्ड होकर ही शुरू करना पसंद है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका मॉर्निंग रूटीन ही उनका डे डिसाइड करेगा। अगर शुरुआत काम हुई तो डे भी काम माइंडसेट के साथ बीतेगा। फिर बेड से उतरने के बाद सुंदर फ्रेश होते हैं और बाकी के मोस्टली सीईओस की तरह वो भी मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जैसा कि आजकल के लोग गूगल पे या गूगल न्यूज पे वर्ल्ड वाइड की खबरें फोन से या कंप्यूटर्स में पढ़ते हैं, वहीं से अलग गूगल के सीईओ सुंदर खुद आज भी फिजिकल न्यूज़पेपर लाइक वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं और डिजिटली वो ऑनलाइन द न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं। साथ ही जैसे इलॉन और गेट्स अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, वहीं सुंदर इनसे अलग अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जरूर लेते हैं और उनका ब्रेकफास्ट बहुत ही सिंपल होता है। अब ये ब्रेकफास्ट या तो वो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान या बाद में लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसे उन्हें सही लगता है तब लेते हैं। और 2016 में सुंदर ने रिकॉर्ड की इंटरव्यूअर लॉरेन गुडी को एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में टी, टोस्ट और एक एग ऑमलेट लेते हैं। अब ऑमलेट इसलिए क्योंकि सुंदर वेजिटेरियन है और वो नॉन वेज नहीं खाते, तो उनकी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन मिल सके इसलिए वो एग ऑमलेट को ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वाइड ऐसे काफी वेजिटेरियंस हैं जो एग को नॉन वेज में नहीं गिनते या नॉन वेज नहीं मानते, और सुंदर इंडियन है तो चाय तो बनती है। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सुंदर अपने ऑफिस पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। अब क्योंकि वो एक सिंपल पर्सन है, इसीलिए उनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत सिंपल है। सुंदर वर्क प्लेस और ऑफिस में भी कैजुअल कपड़ों में ही देखे जाते हैं, सिंपलिसिटी ही उनका स्टाइल है। अब चाहे ऑफिस भले ही सुंदर कार से पहुंचे, लेकिन उन्हें वॉक करना ज्यादा पसंद है और मोस्ट ऑफ द टाइम सुंदर ऑफिस पहुंचने के बाद वर्क प्लेस में ही वॉकिंग करते ही देखे जाते हैं। इवन सुंदर का कहना है कि चलते समय वो ज्यादा अच्छे से सोच पाते हैं और इसीलिए वो चलते चलते सोचना और मीटिंग्स करना ज्यादा पसंद करते हैं। जब भी उन्हें कोई कंफ्यूजन होती है या उन्हें कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वो ऑफिस में ही या आसपास चलते हैं या कुछ देर की वॉक पे निकल जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक आइडिया या सोल्यूशन के साथ ही वापस आते हैं। वर्क प्लेस में सुंदर के टीम मेंबर्स सुंदर को एक बहुत ही हम्बल और अच्छा सीईओ मानते हैं, क्योंकि उनकी ग्रेट लीडरशिप उनकी मीटिंग्स में नजर आती है, जहां वो मीटिंग्स के टाइम सबसे पहले अपने टीम मेंबर्स के आइडियाज को सुनते हैं और फिर अपने आइडियाज या सजेशंस देते हैं। लेकिन इन मीटिंग्स के दौरान सुंदर का एक ही गोल होता है कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख के सोचा जाए, क्योंकि सुंदर बिग पिक्चर और लॉन्ग टर्म विजन को ही किसी भी कंपनी की ग्रोथ या सक्सेस का रीजन मानते हैं, इवन पर्सनल ग्रोथ का भी। और इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग और विजन का एक एग्जाम्पल ये एक स्टोरी भी है कि जब सुंदर ने गूगल ज्वाइन किया तब उन्होंने उस समय के सीईओ एरिक श्मिट्स को सजेशन दिया कि किसी और कंपनी से पहले हमें अपना खुद का ब्राउजर बना लेना चाहिए। लेकिन एरिक ने सुंदर की बात को गंभीरता से नहीं लिया और कुछ टाइम बाद ही माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का ब्राउजर लॉन्च कर दिया था और एक रात में गूगल के डायरेक्ट साइट पे आने वाले 3 मिलियन यूजर्स कम हो गए थे। ये सब देखकर एरिक ने आखिर कहा कि हमें खुद का ब्राउजर बनाना ही पड़ेगा। तब सुंदर ने अपनी टीम के साथ गूगल क्रोम ब्राउजर तैयार किया और आज की डेट में तो आप जानते ही हैं कि मोस्टली लोग गूगल क्रोम को एज ए डिफॉल्ट ब्राउजर यूज करते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सुंदर अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग की वजह से कितना आगे का सोचते हैं और इसी माइंडसेट, लॉयल्टी और नेचर की वजह से 10 अगस्त 2015 में सुंदर को गूगल का नया सीईओ बनाया गया। इससे पहले वो द प्रोडक्ट चीफ ऑफ गूगल थे और इसके अलावा सुंदर अभी अल्फाबेट इंक, कैपिटल जी और मैजिक लीप के बोर्ड ऑफ मेंबर भी हैं। अब इतनी सारी कंपनीज और प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए सुंदर को मीटिंग्स भी उतनी ही ज्यादा और अलग अलग लोगों से करनी पड़ती है, लेकिन उन्हें लगातार मीटिंग्स करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती।
बल्कि वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर मीटिंग्स या वॉक करना पसंद नहीं करते, बल्कि वो किसी भी वक्त कोई भी काम या मीटिंग कर सकते हैं। इवन कभी कभार तो वो ऑफिस से घर जाते टाइम भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स कार में या ट्रैवलिंग में कर लेते हैं, क्योंकि सुंदर का मानना है कि काम की क्वालिटी इम्पोर्टेंट है, टाइमिंग नहीं। तो इतनी सारी मीटिंग्स और वर्क के बीच बारी आती है लंच की। अब क्योंकि सुंदर वेजिटेरियन प्लस बहुत ही सिंपल इंसान है, तो वो लंच में कुछ स्पेसिफिक नहीं लेते, वो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन वो वेजिटेरियन फूड होना चाहिए। लेकिन कभी कभार उनकी एक के बाद एक मीटिंग्स और वर्क की वजह से अगर उन्हें लंच करने का टाइम नहीं मिल पाता तो वो बरिटोस खाना पसंद करते हैं। सिंप्लिसिटी के साथ ही सुंदर का मानना है कि हमारा एनवायरनमेंट और हमारे आसपास के लोग हम पे बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं और अफेक्ट करते हैं। तभी सुंदर को वर्क स्पेस बिल्कुल क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड पसंद है, और उनका कहना है कि हमारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें इनसिक्योर फील करवा सकें, क्योंकि हमसे ज्यादा टैलेंटेड या वर्क एथिक वाले लोग हमें इन्फ्लुएंस और पुश करते हैं ग्रो करने के लिए। तो काफी मीटिंग्स और वर्क के बाद दिन ढलते ही सुंदर घर पहुंचते हैं, और ये समय वो अपनी फैमिली के साथ और अपने रूटीन को फॉलो करने में स्पेंड करते हैं, और अगर मन किया तो कभी कभार वो शाम को जिम चले जाते हैं। लेकिन सुंदर का मानना है कि हम सबको अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और डेली कुछ फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा वर्क। और क्योंकि वो दिन भर बहुत ज्यादा चलते हैं, इसलिए उनका मोस्टली कार्डियो तो ऐसे ही हो जाता है, तभी वो बस कभी कभार ही जिम जाते हैं। और एज यू गाइज नो, मोस्टली सक्सेसफुल लोगों को बुक पढ़ने की आदत होती ही है, तभी सुंदर भी अपने फ्री टाइम में बुक्स पढ़ते हैं, और उनकी द मोस्ट फेवरेट बुक द जीन है, जो कि इंडियन ऑथर सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। इस फ्री टाइम के लिए ही सुंदर जल्दी घर पहुंचते हैं, ताकि वो अपने दो बच्चों और वाइफ अंजलि पिचाई के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें, और फैमिली के साथ टाइम बिताने को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि वो कभी भी अपने ऑफिस का काम और प्रोटोटाइप्स अपने साथ घर नहीं ले जाते। लेकिन हाँ, उनके घर में हमेशा उनके पास दो चार नहीं बल्कि 20 से 30 फोन्स रहते हैं, जिन्हें वो टाइम टू टाइम अलग अलग टेस्टिंग्स के लिए यूज करते हैं जब जरूरत पड़ती है। और घर में वो बीइंग एन इंडियन क्रिकेट मैचेस देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, और वो खुद भी अपनी हाई स्कूल क्रिकेट टीम के एक अच्छे प्लेयर थे। साथ ही वो फुटबॉल के भी फैन हैं, और उनका फेवरेट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना है, इसीलिए उन्हें टीवी में मैचेस देखना पसंद है, क्योंकि सुंदर का मानना है कि लाइफ में फन और वर्क दोनों की इक्वल इम्पोर्टेंस है। और फिर रात को डिनर करने के बाद और अपने दो बच्चों को सुलाने के बाद सुंदर भी अपने बेड पे सोने चले जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और सक्सेसफुल पर्सन के डेली रूटीन पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।